सरकार के सफलतम 2 वर्ष पूर्ण होने पर आज अशोकनगर जिला मुख्यालय गांधी पार्क पुराना रेस्ट हाउस पर पत्रकार वार्ता आयोजित की गई, जिसमें अशोकनगर विधायक जजपाल सिंह जज्जी ने कहा कि आप सभी को ये बताते हुए हर्ष की अनुभूति हो रही है कि आज मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान के चतुर्थ कार्यकाल के 2 वर्ष सफलतापूर्वक पूरे हो चुके हैं। अपने इस कार्यकाल में मध्य प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में अनेक आयाम स्थापित किए हैं। अब तक 41 लाख बच्चियों को दाढ़ी लक्ष्मी योजना का, और अभी उन्होंने मुख्यमंत्री ये भी किया है, क्योंकि उन्होंने जब शुरू करी थी मेरी समझ से 2008 के बाद, तो अब वो उनमें से कई बेटियां कॉलेज जाने की, तो वो कॉलेज जाएंगी तो उनको 25,000 रुपये छात्रवृत्ति उन सारी बच्चियों को दी जाए। ये बहुत बड़ा निर्णय है जिससे बच्चों को, और इसका सबसे बड़ा लाभ क्या है, लाल लक्ष्मी योजना और अन्य योजनाओं का, कि बर्थ रेशो बढ़ा रहा है, जो आज से 8 साल पहले 1,000 बच्चों के लड़कों के प्रतिशत में 927 बेटियाँ होती थी, आज वो 956 रेशो। कहने का मतलब कि जो हम लोग देख नहीं पा रहे उस चीज़ का जो सबसे बड़ा लाभ हुआ है, बच्चों को जन्म देने में आदमी अब संकोच नहीं कर रहा, तो उनको लगता है कि मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार उनके जीवन यापन के लिए सारे साथ दिए, ये एक बड़ी उपलब्धि है। एक सबसे बड़ी उपलब्धि शिक्षा के क्षेत्र में सीएम राइज स्कूल 350 फीस बजट, सीएम राइज स्कूल है तो वो उसके एक जो प्राइवेट स्कूल शिक्षा को लेकर बहुत महत्वपूर्ण, एक हमेशा से रहा है कि सरकारी स्कूलों को जो एक दर्जे का माना जाता है, प्राइवेट स्कूलों में ये माना जाता है शिक्षा अच्छी केवल प्राइवेट स्कूल ही देना। माननीय मुख्यमंत्री सीएम राइज स्कूल का जो कंसेप्ट लाए हैं उसमें किसी भी प्राइवेट स्कूल से कॉम्पिटिशन करेगा वो स्कूल, और उसके लिए अभी जो निर्धारित किया 26 करोड़ रुपये एक स्कूल पर दिया है, सारी जो भी सुविधा हो सकती है स्कूल बिल्डिंग से लेकर, तो आप सोच सकते हैं 26 करोड़ में अगर स्कूल बनेगा, और उसमें ये भी कि उसका उद्देश्य ये क्या एक एरिया तय करेंगे कितने एरिया के बच्चे वहाँ आपके पढ़ेंगे, और उनको बसें निःशुल्क बस गवर्नमेंट की बस उपलब्ध कराएगी स्कूल को, निःशुल्क उस बस लेने जाएगी बच्चों को छोड़ने जाएगी, तो जो प्राइवेट स्कूल जिस पैटर्न पर चल रहा है तो उसी आधार पर, तो ये मैं समझता हूँ बहुत बड़ा परिवर्तन शिक्षा के क्षेत्र में आएगा। जल जीवन मिशन, मैं हमेशा कहता हूँ कि कोई भी सरकार हो देश की या दुनिया, सबसे महत्वपूर्ण रहने को मकान, रोटी कपड़ा और मकान हम कहते हैं, लेकिन पानी के बगैर सब व्यर्थ है। अगर हम पानी पीने नहीं दे पा रहे आदमी, हमारे अधिकांश क्षेत्र में मैंने देखा ग्रैंड भारत टीवी के लिए अशोकनगर से सुनील तनेजा की रिपोर्ट। खबरों में बने रहने के लिए ग्रामीण भारत टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।